अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज हम जिस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है Redmi का Note 9s। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बात क्लियर करूंगा कि ये मोबाइल फ़ोन आपको ऑफलाइन मार्केट में कितने का मिल सकता है, इसमें कितनी ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल सकती है और कैसे आप वो डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं, वो क्या सारा सीन है वो भी मैं आपको वीडियो में सारा क्लियर करूंगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने डिस्काउंट आप हासिल कर सकते हैं, किधर से आप हासिल कर सकते हैं, वो भी सारा मैं आपको वीडियो में आगे कवर करूंगा। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले इसका रैपर उतार लेते हैं मोबाइल फ़ोन का और देन आपको आगे स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये हमारे चैनल पर Redmi की फर्स्ट डिवाइस है जो कि हम अनबॉक्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको बॉक्स में एक साथ आपका वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल जाता है जो कि टेक सिरात की वारंटी आपको देखने को मिलती है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको जो आपकी वारंटी स्टार्ट होगी वो होगी अगस्त 2020 से, तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है इसकी वारंटी को। तो इसको साइड कर लेते हैं, बॉक्स को ओपन करते हैं। अच्छा, बॉक्स में एक और आपको मिल जाएगा, इसको भी आपको रैपर को उतारना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी अवेलेबल चीज़ है इसे हम बॉक्स को इसे रैपर को उतार लेते हैं। पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले देखिए ये है जी हमारा बॉक्स Redmi Note 9s का। सबसे पहले हमें आपको एक शादी कार्ड देखने को मिलता है जो कि Redmi Note 9s की तरफ से है। इसको साइड पर करते हैं, उसके अलावा हमारी बॉक्स में से डिवाइस निकलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम किस्म का इसका कलर है। आप अगर नहीं महसूस कर रहे तो आपका कसूर है, वैसे इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसको भी अभी साइड पर करते हैं और उसके अलावा देखते हैं बॉक्स में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाती है आपकी पावर ब्रिक। अगर हम पावर ब्रिक की बात करें तो मैं यहाँ पर आपको पावर ये स्टिकर उतार लेते हैं पहले ताकि आपको क्लियर तरीके से नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये है जी इसकी पावर ब्रिक। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको कितने वाट की, आपको 20 वाट की आपको पावर ब्रिक देखने को मिलती है। यहाँ पर 22.5 वाट की आपको देखने को मिलती है चार्जिंग, जबकि इस मोबाइल फ़ोन की जो चार्जिंग स्पोर्ट है वो है 18 वोल्ट। ये बड़े मज़े का सीन है। वैसे दूसरे मोबाइल फ़ोन में पावर ब्रिक की जो कैपेसिटी है वो कम होती है, अंदर चार्जिंग स्पोर्ट ज़्यादा होता है, ये बड़ा अजीब सीन है। उसके अलावा बात करते हैं इसकी चार्जिंग केबल की, तो यहाँ पर आपको टाइप सी की केबल देखने को मिलेगी। ये है जी आपकी टाइप सी की केबल और ये आपको टाइप सी केबल मिल जाती है। बॉक्स में हमें और देखने क्या देखने को मिलता है, हमें कोई हैंड फ्री वगैरह देखने को मिलती है या नहीं मिलती। आई थिंक हमें कोई भी हैंड फ्री यहाँ पर देखने को नहीं मिलती और फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी हैंड फ्री वगैरह देखने को नहीं मिलती, सिर्फ बॉक्स को साइड पर काट लेते हैं। उसके अलावा आते हैं जी अपने शादी कार्ड पर जो कि Redmi Note 9s ने हमें भेजा है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको बॉक्स ये शादी कार्ड ओपन करते ही आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है जो कि साइड पर काट लेते हैं, बाद में हम देखेंगे सिम सिचुएशन। उसके अलावा हम बॉक्स को ओपन करें इसको, तो सबसे पहले आपको कुछ यूज़र मैनुअल गाइड देखने को मिल जाएगी जो कि ऑब्वियसली कोई भी नहीं पढ़ता पाकिस्तान में ना, और उसके अलावा एक ये भी मिल जाएगी, ये भी कोई नहीं पढ़ता। उसके अलावा क्या हमें देखने को मिलता है, ये हमें बेसिकली एक सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है जो कि एक TPU कवर आप कह सकते हैं, जिसकी क्वालिटी गुजारा कह सकते हैं आप, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है। तो इसको आप साइड पर करते हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, आपको पता स्टार्टिंग में नहीं मिलते। उसके अलावा जी आते हैं हम अपनी डिवाइस पर, ये है हमारा Redmi Note 9s। सबसे पहले इसका कुछ ये जो ऊपर ये शापर वगैरह लगा हुआ है इसको उतार लेते हैं और कुछ बहुत ही ध्यान से हम उतारते हैं इसको, इसको हम उतारते हैं फिर इसको करते हैं टर्न ऑन, ठीक है। तो ये है जी इसका, कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट हमने देखने थे वो भूल गए हैं, हम दोबारा देख लेते हैं। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ आपको, 48 मेगापिक्सल का आपको एक क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा, 6.67 की फुल HD प्लस डॉट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, 5020 mAh की बड़ी बैटरी आपको 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग के साथ मिल जाएगी। तो ये है जी हमारी डिवाइस जो कि बहुत ही प्रीमियम किस्म का आपका कलर आपको प्रोवाइड करेगी और लुक इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है गाइस। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि एक जितने भी मैंने मोबाइल फ़ोन अनबॉक्सिंग है या यूज़ किए हैं खुद, उसमें से सबसे प्यारा तरीन कलर मुझे जो लगा है बैक का वो ये है। बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है इसका Redmi Note 9s का। यहाँ पर आप देख लेते हैं, इसको कुछ ऑन करते हैं, साथ इसका कुछ बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो सिंपली हम इसे टर्न ऑन कर लेते हैं, टर्न ऑन करते हैं साथ में कुछ बात कर लेते हैं इसका मोबाइल फ़ोन की और फंक्शन की। हमें आपको साइड पर आपको फिंगर सेंसर देखने को मिलेगा, ये बेसिकली फिंगर सेंसर के साथ आपका पावर बटन भी है, ये फिंगर सेंसर भी है और आपका पावर बटन भी है। उसके अलावा आपको यहाँ पर आपको वॉल्यूम बटन मिल जाएंगे, वॉल्यूम बटन के अलावा अगर हम अपर की साइड की बात करें तो आपको एयर ब्लास्टर और एक माइक देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको साइड पर देखें तो साइड पर आपको आपकी सिम सिचुएशन मिल जाएगी, वो भी देखते हैं कि इसमें क्या सीन है। उसके अलावा अगर हम बात करें
बॉटम साइड की, तो वहाँ पर आपको एक टाइप सी की, आपको एक टाइप सी की केबल देखने को मिलेगी, 3.5 mm का आपको जैक देखने को मिल जाएगा, एक आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी, और उसके अलावा चौथी चीज़ जो कि बॉटम पर है वो आपका एक माइक मिल जाएगा। माइक आपको एक फ्रंट पर ही मिल जाएगा, अपर साइड पर, एक बॉटम, दोनों पर मिल जाएगा। सबसे पहले इसकी सिम सिचुएशन देख लेते हैं ताकि हम कहीं भूल ना जाएं वो, ठीक है। तो ये है हमारी सिम सिचुएशन का, देखते हैं क्या सीन है। तो इसको पहले निकालते हैं, आई थिंक डबल सिम और वन, जी हाँ बिल्कुल, ये दो सिम के साथ और एक आपका एसडी कार्ड है, डेडिकेटेड स्लॉट एक एसडी कार्ड की। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि दो सिम कम से कम होनी चाहिए। तो इसको हम अंदर कर लेते हैं वापस बहुत ध्यान के साथ। तो इस डिवाइस को हम स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको साथ। तो ये है जी हमारी डिवाइस जो कि हमने सेटअप कर ली है, इसको सेटअप हमने कर लिया, ठीक है। अब इसके कुछ देखते हैं कि अगर हम अब इसकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। यहाँ पर आपको 1080p की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से आपको देखने को मिलेगी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको फ्रंट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास बैक पर आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके साइड फ्रेम की तो यहाँ पर आपको अनफॉर्चुनेटली प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलेगी। आई थिंक ये अगर मेटल होती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है नोट 9S के लिए, क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मल डे टू डे यूज़ करेंगे विदाउट इस केस के साथ तो ये बहुत ही आसानी के साथ स्क्रैचेस पड़ जाएंगे और बहुत ही जल्दी आपकी स्क्रैचेस पड़ जाएंगे और ख़राब हो जाएगी। अगर हम बात करें इसके फिंगर सेंसर स्पीड की तो ये देखिए, जैसे ही मैं अपने थंब को रखता हूँ तो बहुत ही अल्ट्रा फास्ट आप स्पीड कह सकते हैं इस प्राइस रेंज में, क्योंकि मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छी स्पीड है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके फिंगर सेंसर की, उसके अलावा हम बात करते हैं इसके एंड्रॉयड की, तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स 10OS देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इसकी नॉच की, तो यहाँ मुझे थोड़ी सी नॉच की जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगा है एज़ कम्पेयर टू यूजुअल। ये देखिए, आप अगर गौर से देखें तो आपका साइज़ जो है ना इधर थिन का, वो जो थिन है ना इधर जो चिन है वो ही ना यार, चीन थिन एक ही बात है, वो थोड़ी सी मोटी है इसकी थिन ना मेरे ख्याल से। उसके अलावा इसका जो सेंसर है ना पंच होल, वो भी थोड़ा सा बड़ा है, इसको आई थिंक छोटा होना चाहिए था क्योंकि ये तो दूसरे मोबाइल से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने थीम एक लगा लिया। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स स्नैपड्रैगन देखने को मिल जाएगा 720G, जो कि गेमिंग ओरिएंटेड चिपसेट है, ठीक है। अगर हम कैमरा साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको बैक पर 4 कैमरा देखने को मिल जाएगा। आपका मेन सेंसर जो है 48 MP का कैमरा सेंसर है, जो कि सैमसंग का GM2 सेंसर है। सैमसंग का GM2 सेंसर एक बहुत ही आउट क्लास सेंसर है। सेकंड कैमरा आपको अल्ट्रा वाइड 2 MP का आपको मिल जाएगा डेप्थ, और 2 MP का आपको मिल जाएगा मैक्रो सेंसर, 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा। साथ में आपको एक LED फ्लैश भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। कैमरा क्वालिटी अगर मैं जिस मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो इशू आ रहा है यार, काइंडली माजरत इसके लिए, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा। ये लाइट का मुझे काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है, तो ये लाइट एक बार टूट गई थी तो फिर मसला बन गया मेरे लिए, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये देखिए, आपको रिंग लाइट के साथ लगा के ना, ताकि आपको किसी किस्म का कोई भी लेट ना मिले मेरे चैनल पर, आपको जल्दी से जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह सब मिले। अच्छा, आप बात करें इसके कुछ इंटरफेस की, तो यहाँ पर ये मुझे इंटरफेस जो है ये इनफिनिक्स S5 Pro का जो इंटरफेस था मुझे बिल्कुल उसी तरह लग रहा है, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है मुझे देखिए बिल्कुल उसी तरह, लाइट अप डाउन उसी तरह, इसके आइकन वगैरह मुझे बिल्कुल उसी तरह लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर गेमिंग ओरिएंटेड इसका प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको आउट ऑफ बॉक्स 6GB रैम और 128GB आपको स्टोरेज देखने को मिलेगी, और खुशकिस्मती से यहाँ पर आपको जो स्टोरेज देखने को मिलेगी वो आपकी होगी, आपकी जो UFS 2.1 की स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी आउट ऑफ द बॉक्स। उसके अलावा अगर हम बात कर लें इसके जो CPU है, वहाँ पर आपको 618 का एंड्रीनो गेमिंग से ओरिएंटेड GPU मिल जाएगा। उसके अलावा एक इसकी बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स प्री इंस्टॉल आपका ग्लास प्रोटेक्टर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन का प्रोटेक्टर मार्केट में ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट मॉडल है और ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से इसका ग्लास प्रोटेक्टर वगैरह जो भी मिलता है, इसकी केस भी मार्केट में नहीं मिलती। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अब इसकी बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 5020 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 18W की बैटरी के फास्ट चार्ज स्पीड के साथ होती है। अच्छा, इसके ना मैं कुछ टेस्ट भी करूँगा, क्योंकि मुझे एक डाउट है कि ये कितनी देर में ये बैटरी को फुल चार्ज करता है, फुल ड्रेन कितनी देर में करता है। इसके पबजी टेस्ट भी करूंगा और सारा इसका साउंड टेस्ट जो भी है इन्फिनिक्स S5 Pro के साथ किया था, इसका कैमरा टेस्ट हो गया, वो सारा मैं करूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की,
तो ये सबसे मेन इश्यू था कि प्राइस इसकी कितनी है। तो यार मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मुझे किसी ने ना स्पॉन्सर नहीं ये वीडियो की जो मैं किसी की प्राइस कम या ज़्यादा बताऊँगा। तो इसकी जो मुझे प्राइस मिली है ना मार्केट से, ये मैंने लिया है एक होल सेलर से जिसने मुझे इसकी प्राइस होल सेल ही कह सकते हैं आप इनवॉइस के हिसाब से मुझे दे दी है। उसे मैंने बताया था कि मेरा ये सीन है, चैनल है और ये सारा सीन है, और उसने मुझे जो प्राइस दिया वो दी है 37,700 रुपये। ना मैं आपको एक रुपया कम बता रहा हूँ, ना मैं आपको एक रुपया ज़्यादा बता रहा हूँ, मुझे कोई भी कोई नहीं है कि प्राइस ज़्यादा, क्योंकि मैं किसी को भी इधर मेंशन नहीं कर रहा, तो मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं है किसी की प्राइस कम ज़्यादा बताने का। आप भी जाकर ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे जो अपनी सिटी में प्राइस मिली थी वो मिली थी 40,000 रुपये, 40,000 रुपये ऑफलाइन मार्केट में, एक रुपया भी उन्होंने मुझे नहीं थी डिस्काउंट वगैरह, ठीक है। तो आपने ढूंढना कि कौन सा बंदा आपको सही प्राइस देता है। उसके अलावा ये देखिए कैमरा को एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, बाकी तो इसका हम करेंगे अपना कंप्लीट सेटअप वगैरह में, ताकि इसका जो भी कैमरा सेटअप होगा तो उसका टेस्ट वगैरह करेंगे। अच्छा यार, फर्स्ट इंप्रेशन में कैमरे का अगर कहूँ तो यार बहुत ही आउट क्लास क्वालिटी है, बहुत ही आउट क्लास क्वालिटी है। ये आपको रिंग लाइट जो बार बार आ रही है तो इसके लिए माजरत है। ये देखिए मैं एक बार इसकी क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास क्वालिटी इसकी लगी है। ये नॉर्मल सेंसर है, यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का भी सेंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि 48 मेगापिक्सल का सेंसर बहुत ही आउट क्लास क्वालिटी है, बहुत ही आउट क्लास क्वालिटी है। ये देखिए यहाँ पर आपको फोकस भी कर रहा है, ये इवन मैंने पोर्ट्रेट मूड नहीं किया हुआ लेकिन फिर भी ये फोकस कर रहा है। पोर्ट्रेट मूड करूँगा तो और ज़्यादा फोकस ये कर रहा है। ये देखिए गाइस, थोड़े से मैं आपको ना शॉट भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड नाइट मूड भी मिल जाएगा, पैनारामा प्रो और सारे मूड आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा वीडियो क्वालिटी की वो सारा मैं आपको कवर करूँगा इसके कंप्लीट कैमरा टेस्ट में, सैंपल वगैरह में कैमरा के मैं साथ शेयर करूँगा। तो ये थी यार इसके कुछ फर्स्ट मेरे इंप्रेशन, जो कि अगर मेरी बात करें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये मोबाइल फ़ोन पसंद आया। इसकी जो प्राइस रेंज में है इसमें आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है, जो और फंक्शन मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आउट क्लास है। प्रोसेसर जो इसमें आपको मिल रहा है वो देखिए गाइस, आपको रियलमी 6 प्रो में आपको देखने को मिलता है वो वाला प्रोसेसर। बैक आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको बॉक्स की बात करें तो बॉक्स बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर Redmi Note 9S की ब्रांडिंग हुई पड़ी है। और उसके अलावा यार बात कर रहे हैं इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि ये Realme 6 Pro में जो 55,000 से 60,000 का होने वाला उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात कर रहे हैं इसकी स्टोरेज की, 128 GB की आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। लेकिन मैं अभी ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ही ज़्यादा यही मोबाइल फ़ोन मार्केट में आपको लेना चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसका मैं कैमरा टेस्ट करूँगा सारे, जितने भी कैमरा इसके सैंपल्स होंगे सारे आपके साथ लिटरली ऑनेस्ट तरीके से शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे किसी ने ये स्पॉन्सर नहीं किया, अपने पैसों से खरीद के लाए हूँ। उसके अलावा अगर बात कर लेते हैं इसके कैमरा की, वो भी करूँगा, पबजी टेस्ट भी करूँगा, और कुछ इसके बैटरी जो मैं मुझे बहुत ही ज़्यादा ये अभी जो मैं मुझे उम्मीद है कि मैं सबसे पहले जो बैटरी वाला टेस्ट है वो लेकर आऊँगा। मैं सबसे पहले देखूँगा कि ये कितनी देर में ये मोबाइल फ़ोन को 100% चार्ज करता है, और कंटिन्यूसली यूज़ करने से ये कितनी देर में आपका मोबाइल फ़ोन को बैटरी को 100% ड्रेन कर देता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यार वीडियो को लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, पैसों से नहीं लेकिन मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है इस तरह की वीडियोज़ को रेगुलर तरीके से अपलोड करने में। देखिए वीडियो को लाइक करने से हमें कोई पैसे नहीं मिलते, मैं पहले बता रहा हूँ, जस्ट एक मोटिवेशन होती है कि यार देखें अगर हम इतना टाइम स्पेंड करके इतने पैसे लगाकर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो यार कोई लाइक भी करने वाला हो ना। तो आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी वीडियो, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।